वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर, सेकंड चैप्टर है, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल पे नहीं करता है। यानी कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है, सपोज कीजिए वाटर है, ओके? इस वाटर की प्रॉपर्टी 10 मोल NaCl डाले या 10 मोल KCl डाले, बोथ आर डिफरेंट, या 10 मोल NaOH डाले, सारे कंडीशन में ये डाले या ये डाले, कोई एक डाल रहे हैं, हर कंडीशन में अगर इसके कुछ खास प्रॉपर्टी होते जिसमें चेंजिंग सेम हो तो उसको हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यू हैव टू रीड 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 12th क्लास में आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसी भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट डाल रहे हैं तो सॉल्यूट अगर डाल रहे हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। तो कोई सा भी सॉल्यूट, NaCl डाले 10 मोल या KCl 10 मोल डाले, अगर 10 मोल NaCl डालने में 5 ATP घट रहा है तो 10 मोल KCl डालने पे भी 5 ही ATP डिक्रीज होगा क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेम रहेगा चाहे वो 10 मोल NaCl डाले या 10 मोल KCl डाले या फिर 10 मोल NaOH। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें यूनिट गैप हो जाता है। नेक्स्ट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हमको एक एक क्लास में एक्सप्लेन करना होगा। अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिख दे रहा हूं। फर्स्ट हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड है डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे 100 डिग्री होता है, उसमें जब आप साल्ट मिला देंगे तो उसको, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, 100 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसमें इससे मतलब नहीं है कि नमक डालें कि चीनी डालें, नमक डालने से भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और अगर शुगर चीनी भी डाल रहे हैं तो उससे भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कितना डाल रहे हैं उससे मतलब है, थोड़ा नमक डालें या थोड़ा चीनी डालेंगे तो इक्वल रहेगा, ज्यादा नमक ज्यादा चीनी डालेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों। थर्ड है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड आ गया डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट। ऑफ सॉल्वेंट, जैसे हमने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वैसे ही अगर हम नमक या साल्ट पानी में डाल देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है वो जीरो से डाउन हो जाता है। ओके, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। फोर्थ जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरह से चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने, ये चारों प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसमें क्या डाले हैं, कितना कै गो गिन के डाले हैं, गिन के नहीं कै मोल डाले हैं। हम लोग काउंटिंग एक दो तीन नमक तो करते नहीं है, नमक के मोलिक्यूल कितने मोलिक्यूल्स डाले हैं उस पे डिपेंड करता है ये प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी। ओके, तो इस क्लास में बस इतना ही, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके चार टाइप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।